नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिस समय आपके धान की बालियां निकलने लगें या पूरी तरह निकल आएं, उस समय आपको किन किन खादों का या किस दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपके धानों को पोषण भी मिले और उसमें कीट वगैरह लगने का जो तना छेदक है, पत्ती लपेटक या चूसने वाले कीट होते हैं, उनके नुकसान से भी आपकी फसल बची रहे। किसान साथियों, ये हैं यहाँ पर दो प्रोडक्ट जिनका स्प्रे किया जा रहा था उस खेत में या किया जाएगा, मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा। ये है इफ़्को कंपनी का यूजो, इसके अंदर आपको क्लोरोफायरीफोस 50% और साइपरमेथ्रिन 5% मिलता है। ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों ही तरह का इंसेक्टिसाइड है, दो इंसेक्टिसाइडों का या दो पेस्टिसाइडों का मिश्रण है जो कि काफ़ी पावरफुल है और आपके लगभग सभी तरह के कीटों को ये पूरी तरह से ख़त्म कर देगा आपके खेत से, चाहे वो पत्ता लपेटक हो, तना छेदक, जड़ छेदक या आपके पत्ते और आपकी बाली के दानों के रस को चूसने वाले कीट, किसी भी तरह के चूसने वाले या काटने फाड़ने वाले कीट हो, उन सबको पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। अगर इसकी मात्रा की बात की जाए कि ये दवाई आपको कितनी मिलानी है, तो किसान साथियों ये 500 ml प्रति एकड़ आपको धान के खेत में लगानी है। 500 ml में आपको लगभग 2 ml दवाई प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे करना है, तो लगभग 1 एकड़ में आप, क्योंकि आपके धान काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, उन्हें अधिक पानी की आवश्यकता है स्प्रे करते समय, तो आप 500 ml प्रति एकड़ दवाई ये वाली लगाएं और 250 ml पानी में इस पूरे के पूरे आप पाउच को घोल सकते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं पोटेशियम सल्फेट की, तो इसके अंदर आपको 50% पोटास मिलती है और 17.5 लगभग 17.5% इसके अंदर आपको सल्फ़र मिलता है। पोटास आपके धान के दानों को मजबूत करती है, उनके आकार को एक समान करती है, वजन बढ़ाती है और जो कुछ दाने धान में खाली रह जाते हैं उन्हें खाली नहीं रखेगी या उनमें कम से कम दाने आपके खेत में खाली होंगे, क्वालिटी बढ़ेगी और सल्फ़र आपका आपके जो पौधे हैं धान के उन्हें पूरी तरह हरा कर देगा और जो आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है सल्फ़र। तो किसान साथियों, इन दोनों का मिश्रण, अगर इसके मात्रा की बात की जाए 0050 के, तो इसको आपको 2 kg प्रति एकड़ लगाना है, मतलब 2 kg 250 लीटर पानी में 0050 और 500 ml यूजो, इफ़्को यूजो 250 लीटर पानी में मिलाना है। दो पैकेट 0050 के 2 kg, टोटल 2 kg और यूजो आपको 500 ml 250 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव कर देना है। किसान साथियों, मिलाते समय भी कुछ सावधानियां बरतनी है क्योंकि 0050 जो है ये पोटेशियम सल्फेट ये आपके पानी में बहुत देर में घुलता है और पूरी तरह कभी कभी पूरी तरह नहीं भी घुलता है क्योंकि ये पोटेशियम सल्फेट है। तो मेरी राय आपसे ये है कि आप सबसे पहले किसी बाल्टी में इस 0050 को पूरी तरह से घोलने की कोशिश करें, जब ये 90 से 95% तक घुल जाए उसके बाद ही इसमें क्लोरोफायरीफास और साइपर मैथ्रिन का जो घोल है आपके पास, वो तो लिक्विड है अलग से, उसको डालना है। तो पहले इसे पूरी तरह से घोल लें 0050 को, उसके बाद ही इसमें कीटनाशक डालें और स्प्रे करें। किसान साथियों, आशा करता हूँ कि ये स्प्रे आपका लास्ट स्प्रे होगा। इसमें आप कोई फंगिसाइड भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके धान में फंगस का रोग है, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं ऐड करेंगे तब भी अच्छा रहेगा। 0050 का स्प्रे आप बालियाँ निकलते हुए, मतलब अगर जैसे कि आपके खेत में बालियाँ निकल आई हैं, जैसे कि ये आपको खेत दिख रहा है इस समय, इसमें ये स्प्रे 1 हफ्ता पहले होना था लेकिन थोड़ा लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। किसान साथियों, बालियाँ निकलने के उपरांत 2 बार 0050 का स्प्रे करना ज़रूरी है। 10 दिन से 15 दिन के अंतर पर अगर आप 0050 का 2 स्प्रे करेंगे तो आपके दानों का वजन बढ़ेगा, उनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी और आपके जो पटास बोलते हैं धानों में, देसी भाषा में जो खाली दाने रह जाते हैं, उनकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा कम होगी। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।